हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर परमानंद अगरवाल। आज हम डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। इससे पहले चैप्टर से हमने देखा है व्हाट इज़ लिविंग, एंड देन हमने देखा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये लास्ट जो लेसन है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उसी का स्लाइड्स है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज़ अ लॉ विच गाइड द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। टैक्सोनॉमी किस किस पॉइंट्स के ऊपर में डिपेंड करता है? इट इज़ करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। फिर हमने साइंटिस्ट के बारे में भी देखा, कैरोलस लिनियस, इनका रियल नेम क्या था। फिर हमने देखा जो टर्म्स है सिस्टमेटिक्स और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये दोनों वर्ड्स किन्होंने दिया है? कैरोलस लिनियस ने। फिर इन्होंने जो बुक लिखा प्लांट के ऊपर, उनका नाम क्या है? स्पेसिस प्लेनेटरम। टैक्सोन, टैक्सोन वर्ड क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो एक रैंक बताता है। इसका प्लूरल वर्ड अगर आप देखें तो इट इज टैक्सा, ये आपको याद रखना है। टैक्सोन और प्लूरल इज टैक्सा। जैसे कि ह्यूमन बींग में आप देखें तो कॉमन नेम हम उसे मैन कहते हैं, एंड बायोलॉजिकल नेम क्या है उसका? होमोसेपियंस। ये डिफरेंट टैक्सा है एंड ईच टैक्सोन है, इस वर्ड से हमको समझ में आना चाहिए। अब ये ऑर्गेनिज्म को हमको जो क्लासिफाई करना है उसे डिफरेंट कैटेगरीज में जो रखना है वो कैसे रखें, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बेसिक नॉलेज ऑफ करेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये हमें जरूरी है। इससे हम किस चीज में हेल्प होगा? उनका सिमिलिटी जानने में हेल्प होगा, उनके डिसिमिलिटी जानने के लिए हेल्प होगा हमें। अब कैटेगरीज, कैटेगरीज अगर आप देखें तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में जानना चाहिए, क्योंकि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं नेट से वो आपको जंबल करके भी दे सकते हैं, तो यू शुड नो इट। सो किंगडम इज द हाइएस्ट कैटेगरी एंड स्पीसीज इज द, यू कैन से, लोएस्ट इन द रैंक। इट इज इंडिविजुअल। Now, kingdom, then is phylum and division. Division will be used for plants only. Then class, order, family, genus, species. This is the hierarchy from above downward. From downward to above, if you will go, it is species, then genus, family, order, class, phylum and kingdom. यहाँ यूजुअली स्टूडेंट्स को जो कन्फ्यूजन मैंने देखा है वो इन तीनों में होता है, फाइलम के बाद क्या आता है एंड ऑर्डर एंड क्लास। इसके लिए आप निमोनिक याद रख सकते हो, पी सी ओ, दैट इज पीसीओ बूथ जो होता है। एंड अगर इसका रिवर्स ऑर्डर में आपको देखना है, सी ओ पी, दैट इज ओ सी पी। वट इज ओ सी पी? ओ सी पी इज नथिंग बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऐसा आप निमोनिक याद करके याद कर सकते हो। तो ऑर्डर के बाद क्लास एंड देन फाइलम, और फाइलम, क्लास एंड ऑर्डर, ये सीक्वेंस आपको याद रखना जरूरी है। हम देखेंगे अब स्पेसिस एंड जेनस के बारे में। स्पेसिस क्या होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, लाइक यू एंड मी, आप में और मेरे में जो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, इसीलिए हम सब मिला के होमोसेपियंस ग्रुप में आते हैं, वो एक स्पेसिस हो गया। जीनस, जो उससे रिलेटेड और बड़ा जो ग्रुप है उसे हम जीनस कहते हैं। रिलेटेड स्पेसीज विच हैज मोर करेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू द स्पेसीज ऑफ अदर जीनस और अदर जेनरा। अब यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ देखेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो। आप देखिए यहाँ जो एग्जांपल्स हैं ये डिफरेंट स्पेसीज का एग्जाम्पल है। मैग्नीफेरा इंडिका, जो मैंगो के लिए वर्ड यूज किया जाता है। पोटैटो के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज व्हाट इज सोलेनम ट्यूबरोसम। देन पैंथेरा लियो, लायन के लिए। तो ये डिफरेंट स्पेसीज है। अब जो रिलेटेड स्पेसीज अगर आप देखें तो लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर, ये तीनों रिलेटेड स्पेसीज हैं, इसीलिए इन्हें एक जेनस में डाला गया, दैट जेनस इज पैंथेरा। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टाइगर्स।
अगर आप होमोसेपियंस ह्यूमन बींग से रिलेटेड जेनस के बारे में देखें तो ये इसमें दिया गया है, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ऐसे कुछ नाम्स हैं जो रिलेटेड टू ह्यूमन बींग उनके फीचर्स रहते हैं। फैमिली, फैमिली रिलेटेड जेनरा, जो रिलेटेड जेनरा विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जेनस एंड स्पेसिस, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं सिमिलरिटी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो फैमिली सोलनेसी इन केस ऑफ प्लांट, उसमें कौन कौन से जेनरा आते हैं, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतुरा, ये तीनों सेम फैमिली में आते हैं। तो ये ऊपर जा रहे हैं हम हायरार्की में। फिर ऑर्डर, इट इज असेंबल ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। जो फैमिली, जो आपस में दो जुड़े हुए फैमिली थे, जो रिलेटेड फैमिलीज थे, उनको हमने एक सिंगल ऑर्डर में डाला। अगर आप प्लांट में एग्जाम्पल देखें तो पॉलीमोनियल्स इज एन एग्जाम्पल, उसमें क्या क्या आएंगे फैमिली लाइक, जैसे अभी हमने देखा सोलनेसी, कॉन्वोल्यूसी, दिस इज द वर्ड्स। और ये किस बेसिस पे किया गया, इसे बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, मतलब जो फ्लावर्स जो आते हैं उसके कैरेक्टर के ऊपर में हमने इन्हें एक ऑर्डर में दिया। एनिमल में अगर आप देखें तो कार्निवोरा, जिसमें डिफरेंट फैमिलीज आते हैं लाइक फ्लेसिड, फेलिडी एंड कैनिडी, जो बिल्ली वो की जो फैमिली है उसे हम बोलते हैं फेलिडी, जिसे कैनिडी, जिसमें डॉग्स आते हैं, इन सब को मिला के हमने एक ऑर्डर में डाला। कौन सा ऑर्डर है ये, कार्निवोरा। क्लास, तो ऑर्डर से मिला के ऑर्डर, जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, एक सेम क्लास। अब क्लास का एग्जांपल अगर आप देखें तो मेमेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास, उसमें क्या आते हैं, उसमें मोंकीज भी आते हैं, उसमें गोरिल्ला भी आते हैं, उसमें गिबन भी आते हैं, उसमें ऑर्डर प्राइमेटा भी आते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा जो अभी हमने देखा था, ऑर्डर कार्निवोरा भी आता है। तो ये आपको समझने का जरूरत है कि क्लास में क्या क्या आया, जो रिलेटेड ऑर्डर्स, जो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो थे, जो ऑर्डर्स में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, उनको हमने एक सिंगल ग्रुप में डाला, दैट इज क्लास मैमेलिया। अब फिर रिलेटेड जो क्लास होगा उसे मिला के हम क्या बनाएंगे, फाइलम बनाएंगे। तो क्लासेस कंप्राइजिंग लाइक एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स विथ मैमल्स, वो मिला के एक सिंगल, उसे हम क्या बोलते हैं, हायर कैटेगरी, फाइलम। अब फाइलम कैसा है एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे फाइलम का एग्जांपल है फाइलम कॉर्डेटा, इसमें क्या है, इसमें किस बेसिस पे इसे क्लासिफाई किया गया है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। तो ये क्या होता है नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जब हम एम्ब्रियो से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि कुछ कॉमन फीचर्स थे जिसके कारण में हमने उन्हें एक सिंगल फाइलम में दिया। अगर आप इसी ग्रुप में आप देखें तो प्लांट्स के लिए अगर हम जब देखें तो सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कॉल्ड एज डिवीजन। तो फाइलम के बदले हम क्या यूज कर रहे हैं, डिवीजन वर्ड। किंगडम्स, अब ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में है, इसे हमें अच्छे से समझना चाहिए। जो बायोलॉजिस्ट थे आर एच विटेकर, इन द ईयर 1969 उन्होंने एक फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से आते थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया, ये पांच क्लासिफिकेशन में है। इससे पहले कि आप अगर साइंटिस्ट को देखें तो उन्होंने बस प्लांटी एंड एनिमल में कर दिया था। अब इनमें पांचों में ऐसा कोई है क्या जो नहीं आता है, जी हाँ, वायरसेस इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है। अब मेन क्राइटेरिया क्या था जो इसे डिस्टिंग्विश अलग अलग किंगडम्स में रखने का, ये सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसे न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमने देखा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है,
और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वो कैसे रिलेटेड है फाइलोजेनेटिकली एक दूसरे से। तो हमने अब जो देखा इसे हम समराइज करेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर स्पेसीज से किंगडम की ओर जाते हैं, कॉमन करेक्टर जो है वो कम होते जाता है। ये आपको एमसीक्यूज में ऑप्शंस में आ सकते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है। आप जैसे स्पेसीज से किंगडम की ओर जाओगे कैटेगरीज में, तो जो कॉमन करेक्टर है वो क्या होगा, कम होगा, कम होगा वो, ठीक। देन लोअर द टैक्सा मोर आर द करेक्टरिस्टिक्स डेट द मेंबर्स विद इन द टैक्सा टैक्सोन्स शेयर। मतलब इनका बताने का मतलब यह है कि स्पेसीज में जो करेक्टरिस्टिक शेयर करेंगे वो ज़्यादा होगा जैसे आप और हम, लेकिन अगर आप होमो सेपियंस और होमो इरेक्टस के बीच में करेक्टर्स को देखोगे तो वो स्पेसीज होमो सेपियंस के बीच से करेक्टर से कम हो जाएगा शेयरिंग उनका जो है। तो वैसे जैसे ऐसा ऊपर जाते जाओगे वो डिक्रीज होगा। ये पहले ही सेंटेंस को आपको फिर से समझा रहा है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। आप अगर किंगडम में जाके देखें तो उनका आपस में रिलेशनशिप कैसा है उसे हमें एक्सप्लेन करना ज़्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा, लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग में देखें तो उसे कैसा होएगा वो सेम हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। थैंक यू।